क्या कर रहे हैं आप? जो कुछ कर रहे होंगे प्लीज़ इस वीडियो को देखिए पूरा एंड तक। आज हम सिक्स लेसन ऑफ हिस्ट्री, एक्चुअली सिर्फ नाइन्थ स्टैंडर्ड के लिए नहीं बट बाकी के लोगों के लिए भी है, जो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड वीक अदर वीकर सेक्शंस को देखने वाले हैं। तो ये एक्चुअली पार्ट वन की वीडियो है, इसमें हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे वाले, तो बिना किसी देरी के हम शुरू कर देते हैं। चलो शायद यहाँ पे आ गए। ओके, सो आज हम स्टडी करेंगे एक ऐसा टॉपिक, वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्सट्रीमली इन द फ्रीडम स्ट्रगल। वुमेन्स ने बहुत ज़्यादा फ्रीडम स्ट्रगल में हमारे साथ, मतलब मेन के साथ पार्टिसिपेट किया था इक्वली। वुमेन हैव ऑल्सो मेड इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन ऑल फील्ड्स। तब से वुमेन्स ने बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था इसके लिए, पर यह सब कुछ हो पाया पोस्ट इंडियन पीरियड के बाद, जब इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट वुमेन एंड ऑल्सो वी विल स्टडी अबाउट द लॉज इनएक्टेड अबाउट वुमेन अदर वीकर सेक्शंस। व्हेन वी स्टडी द कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया वी रियलाइज दैट द रूट्स ऑफ सेवरल प्रॉब्लम्स दे फेस इन लाइफ, द मेंटल मेंटेलिटी ऑफ मैन इवन in the 21st century. We are in 21st century and then also some women are getting tortured by men. So it is called as men overruled. Okay, so now many Vinoda Bhave made use of women power in Buddha movement. Buddha movement was a great movement in Indian post independence after. It is called as Latte Morcha. Women who look after the expenditure of home, जो घर का सब कुछ देखती है, खाने का वगैरह वगैरह सब कुछ, problems due to, they faced problems due to increase of prices. जब एक important prices बढ़ गए थे, मतलब salt से लेकर सब कुछ, चीनी वगैरह सब कुछ, तो विनोदा भावे ने लेकर, मतलब example है यहाँ पे oil, घी, रवा, ऐसे जो नॉर्मल हम खाते हैं उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा 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 बढ़ गए थे, इसलिए विनोदा भावे ने लाठी मोर्चा शुरू किया सारे वुमेन्स को लेकर। सो वुमेन अंडर लीडरशिप ऑफ सोशलिस्टिक लीडर मृणाल गोरे, अंडर द मृणाल गोरे, ओके, वुमेन कैन केम टुगेदर ब्रिस्ट रोलिंग पैंस लाठी मोर्चा टुक इन डेमोन्स्ट्रेशन। और उसके बाद वुमेन्स ने और ऐसे कई मूवमेंट किए जिससे उन्हें स्ट्रगल कर यूनिटी दिखाकर उन्हें फ्रीडम मिला। तो एज एक और मूवमेंट था उनके साथ, वो चिपको मूवमेंट, इट वाज अ चिपको मूवमेंट, मैनी ऑफ द पॉपुलर मूवमेंट वाज हेल्ड। सो अगली वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट चिपको मूवमेंट एंड please do like, subscribe, share and comment of this video. How do you like this video? Please subscribe to our channel and we will try to bring more important and more interesting content for you. Thank you.